Welcome to the fourth sum. The chord of a circle of a radius 10 cm substance a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment and major segment. माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट, इसका तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है? एरिया फाइंड आउट करना है. करेक्ट. सो क्या बोला हुआ फर्स्ट ऑफ ऑल कि द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 10 सेंटीमीटर सब्सटेंस राइट एंगल एट द सेंटर. मतलब ये जो एंगल है यहाँ पे जो बना हुआ है, दिस इज नथिंग बट दिस इज 90 डिग्री. दिस इज नथिंग बट दिस इज 90 डिग्री. ठीक है. सो उससे क्या करना है मुझे? माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट तुम्हें पहले बताया था. माइनर सेगमेंट मतलब जो छोटा वाला पार्ट होता है एंड मेजर सेगमेंट जो बड़ा वाला पार्ट होता है. सो मुझे एरिया, ये जो शेडेड पार्ट है दिस इज नथिंग बट योर माइनर सेगमेंट. ये शेड किया मैंने अभी, ये क्या है मेरा? माइनर सेगमेंट है. और जो पूरा पार्ट है, जो रिमेनिंग है, ये जो ऊपर जो बड़ा वाला है सर्कल का, सपोज ये पूरा सर्कल है हमारा, राइट? सो जो इतना सा पार्ट है ये मेरा माइनर सेगमेंट है. इतना सा पार्ट है मेरा माइनर सेगमेंट है. और ये जो ऊपर का बचा हुआ पूरा पार्ट है दिस इज नथिंग बट माय मेजर सेगमेंट. दिस इज नथिंग बट माय मेजर सेगमेंट. क्लियर? ओके. सो अभी यहाँ पे क्या करना है हमें? ये निकालना है माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट. अब तुम ये जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा एक पार्ट होता है जिसको तुम, ऐसा पार्ट होता है ये पूरा बर्थडे कैप जैसा जो दिखता है, ये पूरा पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं. ये पूरे पार्ट को तुम्हें पता ही है हम क्या सेक्टर बोलते हैं. ठीक है. सो हम क्या करेंगे? हमें एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए हमारा कोई पर्टिकुलर फार्मूला है क्या? ऐसा कोई एरिया है जिसको हमें निकालना है तो इसके लिए कोई फार्मूला है क्या हमारे पास? नहीं है. बट हमें क्या पता चल रहा है यहाँ पे कि एक तो हमारे पास क्या है? सेक्टर है. एक हमारे पास क्या है? ऐसा एक पूरा एक सेक्टर है. अगर इस सेक्टर में से मैंने क्या किया? ट्रायंगल निकाल दिया तो मुझे क्या बचेगा? ये मिल जाएगा. करेक्ट. ये पार्ट मिल जाएगा तो उस समय का मुझे मिल जाएगा माइनर सेगमेंट मिल जाएगा. एंड मेजर सेगमेंट निकालने के लिए क्या कर सकता हूँ मैं? पूरा सर्कल का एरिया निकालूंगा, पूरे सर्कल का एरिया निकालूंगा, उसमें से ये पार्ट सबट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे मेजर सेगमेंट मिल जाएगा. करेक्ट. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच टू दी सम. दिस इज द हाउ द वे वी आर गोइंग टू अप्रोच टू दी सम. सो फर्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर. सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हमें फाइंड आउट करना है. कैसे करेंगे? हमें क्या पता है कि सॉल्यूशन. ओके. एरिया ऑफ माइनर सेक्टर. सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, सो हमें पता ही है कि इतना 90 डिग्री है. सो इट इज गोइंग टू बी थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला. व्हाट इज थीटा? 90 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू आर. व्हाट इज आर? हमें दिया हुआ यहाँ पे रेडियस 10 सेंटीमीटर. दिस रेडियस इज 10 सेंटीमीटर. सो 10 इंटू 10. ओके. नाउ 9 1 जा 9 4 जा. ठीक है. देन इट इज गोइंग टू बी लेट्स से व्हाट वी कैन डू इज, यहाँ पे हमारे पास 10 है. सो हम क्या कर सकते हैं? सिंप्लीफाई करने के लिए 22.7 को हम क्या कर लेते हैं? 3.14 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अगेन. सो इट इज नथिंग बट 3.14 इंटू 100/4. ओके. सो इट इज गोइंग टू गिव यू नथिंग बट 314/4. सो इट इज गोइंग टू बी अराउंड 78.5. This is because I have done from the calculator. You can use your own and you can solve. So it is nothing but 78.5. It is easy to solve. जैसे कि हो सकता है कि यहाँ पे क्या होगा? 4 1 जा 4 7 जा 28 होता है, बचा 3. करेक्ट. 4 7 जा 28 and remaining is 34. Okay. एंड 4 8 जा 32 बचा अगेन 2. पॉइंट आएगा 24 5 जा 20. दिस इज 78.5 सेंटीमीटर. अब ये क्या मिला है हमें? दिस इज वॉट नथिंग बट दिस इज द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर. जो माइनर सेक्टर है AOB, हमें वो मिल चुका है. अभी हमें क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला क्या है वो याद रखो, ध्यान से देखना है, इसको नोट डाउन कर लेना. एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। अभी तुम्हें पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो कब होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कब होगा, जब तुम्हारे पास क्या होगा, एक 90 डिग्री वाला ट्राइंगल होगा या तो हाइट होगा। अगर मैंने बोला तुम्हारे पास कोई ऐसा ट्राइंगल है, कोई ऐसा ऑब्ट्यूस ट्राइंगल है जिसका तुम्हें हाइट नहीं पता, सिर्फ एंगल पता है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, दैट इज नथिंग बट, सिंस ये आइसोसेलेस होगा, जो भी ट्राइंगल होगा वो आइसोसेलेस ही होगा क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस ही है। दिस ओनली फॉर सर्कल के लिए, सिर्फ सर्कल के लिए बात कर रहा हूँ, ओके। तो ये दोनों रेडियस ही होंगे, ठीक है। सो इसके लिए फॉर्मूला है हाफ इंटू R² साइन टीटा, हाफ R² साइन टीटा। ये माइट भी तुमने ट्रिग्नोमेट्री में, अगर तुम्हारा नहीं हुआ है तो तुम वहाँ पे पढ़ लोगे कि कैसे ये फॉर्मूला आता है। एज ऑफ नाउ अगर तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री नहीं हुआ है तो जस्ट याद रखो कि सर्कल के अंदर अगर तुम्हें ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है तो ऑलवेज देयर इज द फॉर्मूला हाफ, इट इज हाफ R² साइन टीटा, करेक्ट। रिमेंबर दिस फॉर्मूला, हाफ R² साइन टीटा। सो हाफ इंटू वट इज रेडियस, रेडियस इज 10, दैट इज 100 इंटू साइन टीटा, साइन टीटा इज साइन 90। एंड ट्रिग्नोमेट्री हो गया रहेगा तो तुम्हें पता होगा कि साइन 90 इज नथिंग बट, साइन 90 डिग्री इज नथिंग बट 1। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। सो ये अल्टीमेटली हाफ इंटू 100 हो जाएगा विच इज नथिंग बट 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये जो ट्रायंगल का एरिया है दिस इज नथिंग बट, दिस इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। यहाँ तक देख लो, ये वैल्यू साइड में लिख के ले लो, हमें काम आने वाला है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फाइंड आउट करना है, सॉरी माइनर सेगमेंट फाइंड आउट करना है, सेक्टर तो हमें फाइंड आउट कर लिया। सो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ माइनर segment. So area of minor segment is nothing but what it is, क्या होगा वो, area of minor sector minus area of triangle, correct। area of minor sector minus area of triangle, जो कि क्या था, triangle OAB, correct। यही हमने देखा था कि वो जो ट्रायंगल था इट वॉज नथिंग बट ट्रायंगल OAB। नाउ व्हाट वाज एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हमें कितना मिला था, इट वॉज नथिंग बट इट वॉज 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला था। और एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमें मिला था दैट वॉज नथिंग बट 50। सो अगर इफ यू सबट्रैक्ट दिस व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। द नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व इज फॉर द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे करने वाले थे हम, रिमेंबर ये पूरा सर्कल हमारे पास है, इसमें से इतना सा पार्ट है जो माइनर सेगमेंट है, निकाल दो, करेक्ट। तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मेजर पार्ट मिल जाएगा। सो उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो द फॉर्मूला फॉर दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ व्हाट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। करेक्ट। नाउ एरिया ऑफ सर्कल इज पाई R² माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, हमें जो माइनर सेगमेंट था ऊपर मिला था दैट इज 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट वाज एरिया ऑफ माइनर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर व्हाट वी हैव टू फाइंड, ओके। हमें एरिया ऑफ यहाँ पे क्या निकालना है, टेक्स्ट बुक में इट इज माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, हमें सेक्टर का फॉर्मूला निकालना है। सो हम क्या करेंगे, वी आर नॉट फाइंडिंग सेगमेंट, वी आर फाइंडिंग सेक्टर। सो इट इज गोइंग टू बी अगेन यहाँ पे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फाइंड आउट करेंगे। सो विच इज नथिंग बट 78.5, विच इज नथिंग बट 78.5। अब पाई का वैल्यू कितना था, हमने लिया था 3.14 लिया था, इंटू 100, रेडियस है तो 100 है, माइनस 78.5 5. So that is nothing but 314 minus 78.5. So what is 314 minus 78.5? It is nothing but how much? देख लो, अगर 314 में से 78 निकालते हो, so it is nothing but 236 and 0.5 निकालोगे तो it is around 235.5 centimeter square. So this is nothing but area of the major sector. वो थोड़ा confusion हो गया था हमें, हमने माइन मेजर सेगमेंट लिख दिया था, बट इज नथिंग बट मेजर सेक्टर. और इतना कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगा तुम्हें टेक्स्ट बुक, ठीक है. सो दिस वॉज द एरिया विच इज वॉज रिक्वायर्ड, जहाँ पे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाला हमने और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकाला. मेजर सेक्टर इज नथिंग बट इतना सा पार्ट, एक केक पीस निकालने के बाद जो जगह बचता है, जो वाइट जो नॉन शेडेड रीजन है, दिस इज नथिंग बट एरिया ऑफ मेजर सेक्टर. क्लियर? ओके. Now the next that we are going to find is the in a circle of a radius 21 centimeter an arc substance of angle at 60 degree at the center. Find the length of the arc, the area of sector formed by the arc, and area of segment formed by the corresponding chord. So in short क्या करना है हमें? Let's say if we have, okay, so what is there over here is, हमें क्या पता है कि जो हमें लेंथ दिया हुआ है इट इज़ 21 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर, एंड जो ये एंगल है दिस इज 60 डिग्री. सो व्हाट वी नीड टू फाइंड इज द लेंथ ऑफ द आर्क. सपोज व्हाट वी कैन से इज दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट. सो जो ए पॉइंट से बी पॉइंट का लेंथ है, हमें क्या करना है? इसको फाइंड आउट करना है. सो दिस इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द आर्क. नेक्स्ट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, दैट इज दिस एरिया ऑफ सेक्टर वी नीड टू फाइंड आउट ओवर योर. एंड थर्ड इज द एरिया ऑफ सेगमेंट. इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है, जो शेडेड रीजन है, दिस शेडेड रीजन इज नथिंग बट द एरिया ऑफ सेगमेंट. दिस शेडेड रीजन इज नथिंग बट द एरिया ऑफ सेगमेंट. सो हम लाइन बाय लाइन हम क्या करते जाएंगे, वी विल ट्राई टू सॉल्व. ओके, सो द फर्स्ट इज द लेंथ ऑफ द आर्क. द लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क. सो लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला क्या था? हमें क्या करना है? लेंथ ऑफ आर्क ए बी. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट? वी हैव डन इज नथिंग बट थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर. थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर. ओके, सो व्हाट इज द थीटा वैल्यू ओवर हियर? इट इज गिवन नथिंग बट 60 डिग्री. 60 डिग्री दिया हुआ है, सो हम क्या करेंगे? 60 डिग्री सब्स्टिट्यूट करेंगे ओवर हियर. सो 60 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर. So pi value is nothing but 22/7 and radius is nothing but how much? 21 centimeter. So 6 ones are 6, 6 are 7, 7 ones are 7, 3 are. Okay. So 22 2s are is 44 and 40. So 2 pi r. So what we are going to do is, yes. So यहाँ पे एक और 6 बचा है, so 6 ones are and this 6 6 gets कैंसल. 2 3 और 6 होता है, सो नथिंग बट वॉट रिमेन्स इज 22 सेंटीमीटर. सो दिस इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द आर्क. द लेंथ ऑफ आर्क इज 22 सेंटीमीटर. नेक्स्ट वॉट वी आर गोइंग टू सॉल्व इज फॉर द एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क. एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड. सो एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड इज नथिंग बट द फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. सेम थिंग ही, दो फॉर्मूले पे पूरा क्या एक्सरसाइज बेस्ड है, यू कैन सी. सो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. थीटा अगेन 60 बाय 360 इंटू पाई वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस इज 21 इंटू 21. अगेन 60 6 टाइम्स 7 3 टाइम्स. करेक्ट. सो क्या क्या बच रहा है हमारे पास? What we are remain with is 22 into 21 into 3 upon 6. So 6 1 times 3 ones are 3 2s are 2 ones are 2 11s are. Now 11 ones are is 11, 11 twos are is 11 ones are 11 carry 1, 11 twos are is 22, 22 plus 1 is 23. 3. So that is nothing but 231 centimeter square. This is nothing but the area of the sector. हमें लेंथ ऑफ द आर्क मिल गया. The last that we are going to find is nothing but the area of, क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट AOB. अब एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट करने से पहले हमको क्या चाहिए, एरिया, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए, जिससे हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल करेंगे तो हमें एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा. करेक्ट. सो फॉर फाइंडिंग आउट दैट थिंग व्हाट वी नीड टू डू इज फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB. एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB. तुमको इसके लिए मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बोला था, दैट इज नथिंग बट हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा. हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा. हाफ व्हाट इज रेडियस, रेडियस हम नथिंग बट, हमने कितना देखा था, रेडियस 21 था, तो 21 इंटू 21 एंड साइन थीटा, साइन थीटा. ओके. सो साइन 60. सो यू नो, अगर तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हो गया रहेगा, सो यू नो साइन 60 वैल्यू इज नथिंग बट इट इज √3/2. अगर नहीं पता तो फिलहाल के लिए याद करके ले लो, तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री में वो कंप्लीट हो जाएगा. ओके. सो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 21 इंटू 21 इज नथिंग बट 441 √3 एंड 2 2s 4. सो दिस इज नथिंग बट द एरिया ऑफ सेक्टर. व्हाट इज इट, अगर सेंटीमीटर में, सो दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये क्या है, फॉर्मूला है. अब फास्ट लास्ट में हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ थर्ड पार्ट हमारा जो है सॉल्व करेंगे, दैट इज एरिया ऑफ सेगमेंट. एरिया ऑफ सेगमेंट. सो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या है हमारा, दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB. करेक्ट. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें कितना, सेक्टर कितना मिला हुआ था हमें, यू कैन सी फ्रॉम हियर इट इज नथिंग बट 231 सेंटीमीटर. इट इज नथिंग बट 231 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो इट इज नथिंग बट 231 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB कितना है, 441 √3/2. अब तुम बोलोगे सर ये सम वैल्यू बहुत बड़ी, 441 बड़ा है, 231 छोटा है, सब्ट्रैक्ट होगा तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगा. नहीं, तुम देखोगे अगर ये सब्ट्रैक्ट होने वाला होगा, सो व्हाट यू कैन सी ओवर हियर इज नथिंग बट यू विल गेट सम वैल्यूज जो 231